खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां तहसील जवा थाना डभौरा निवासी बेवा अनीता गुप्ता के द्वारा कमिश्नर संभाग रीवा अनिल सुचारी को आमरण अनशन का ज्ञापन सौंपा गया है। महिला ने बताया कि पटवारी हलका डभौरा जितेन दाहिया द्वारा उसकी जमीन में किए गए अतिक्रमण की जांच प्रतिवेदन देने के लिए उससे 5,000 लिया था, अब और 10,000 मांग रहा है। अनीता गुप्ता द्वारा बताया गया कि उसकी जमीन को अतिक्रमणकारी से मुक्त कराया जाए और रिश्वतखोर पटवारी जितेन दाहिया के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। अगर नहीं की गई तो 23 अगस्त 2022 को डभौरा बाजार में आमरण अनशन करेंगी। कमिश्नर द्वारा अनीता गुप्ता को तुरंत कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है। आपका नाम? अनीता गुप्ता। कहाँ से आई हैं? डभौरा। क्या मामला है? मामला यह है कि हमारा घर जेठ हमारा कब्जा कर लिया 20 साल से, मांगते हैं तो बहुत परेशान नहीं दे रहा है, और पटवारी के लगे जाते हैं तो 10,000 रुपया मांगता है, 5,000 दे चुके हैं, आजकल करता है सुनता नहीं है। तो किससे मिलने आई थी? हम यहाँ कल कमिश्नर साहब मिले आपसे? हाँ मिले। क्या बोले कमिश्नर साहब? बोले कि हम अभी देख के तुम्हारा काम करते हैं। आप क्या चाहती हैं? हमें चाहते कि हमारा काम हो जाए, ना ही होगा तो हम यहीं अनशन बैठेंगे। आप अनशन बैठेंगी? हाँ। आपका तहसील कौन है? तहसील हमारा जबा। जिला रीवा? हाँ जिला रीवा।